मुंबई मध्ये सगळ्या राज्यातले लोक आपल्याला पाहायला मिळतात, महाराष्ट्रातल्या सगळ्या भागातले लोक आपल्याला पाहायला मिळतात, आणि एवढंच नाही तर देशातले जे प्रमुख राज्य आहेत त्यांच्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यातले लोक देखील आपल्याला मुंबई मध्ये पाहायला मिळतात। आणि म्हणून मुंबई मध्ये कार्याचा विस्तार करताना आपलं कार्य असलं पाहिजे आणि ते सर्वस्पर्शी असलं पाहिजे या उद्देशातून खरं म्हणजे तयार केल्या। कारण शेवटी भारतीय जनता पक्षाची जी एक मुख्य बॉडी असते त्याचे काही नियम आहेत, त्याची काही बंधन आहेत, किती लोकांना त्या ठिकाणी रिप्रेझेंटेशन मिळेल या संदर्भातले काही नियम आहेत, पण प्रत्येक वर्गावर जर पोचायचं असेल, प्रत्येक वर्गापर्यंत पोचून त्याला आपलंसं करायचं असेल तर त्याकरता त्या त्या वर्गाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह हे भारतीय जनता पक्षाच्या रचनेमध्ये काम करणारे असले पाहिजेत। शेवटी एखादा राजकीय पक्ष हा आरशासारखा असतो, समाजातल्या कुठल्याही व्यक्तींनी त्या आरशामध्ये पाहिलं तर आपला चेहरा त्याला दिसला पाहिजे, आणि हे जे प्रकोष्ठ आणि मोर्चे आहेत हे तेच काम करतात। मग कुठेतरी आमच्या युवकांनी जर त्या आरशामध्ये बघितलं तर त्यांना युवा मोर्चा दिसतो, आपलं चित्र त्या ठिकाणी दिसतं। कुठेतरी उत्तर भारतीयांनी त्याच्यामध्ये बघितलं तर त्यांना आपला चेहरा त्या ठिकाणी दिसतो। कुठेतरी अनुसूचित जाती जमाती मोर्चाच्या लोकांनी तिथे पाहिलं, आपला चेहरा त्या ठिकाणी दिसतो। महिला मोर्चाला आपला चेहरा त्या ठिकाणी दिसतो। आणि म्हणून वाटतं की ती ती घटक भारतीय जनता पक्षाला आपापल्या वर्गामध्ये अतिशय चांगल्या प्रकारे पोहोचवतात, त्यामुळे पक्ष सर्वव्यापी देखील होतो आणि पक्ष सर्वस्पर्शी देखील होतो, आणि हे काम आज आमच्या आघाड्या या ठिकाणी अतिशय चांगल्या प्रकारे करतायत। आणि विशेषतः आताच आशिषजींनी सांगितलं, खरं म्हणजे अडीच वर्ष ज्यावेळी कोरोनाचं संकट होतं आणि दुष्काळात 13वा महिना म्हणतात तसं कोरोनाच्या संकटासोबत उद्धव ठाकरेंचं सरकार देखील होतं, बरोबर आहे ना? दुष्काळात 13व्या महिन्यासारखंच होतं, त्याच काळात त्यांचं सरकार यावं यापेक्षा अजून काय आपल्यावर अन्याय होऊ शकतो? पण अशा काळामध्ये भारतीय जनता पक्षाचा एकही मोर्चा घरी बसला नाही। प्रत्येकाने कोरोनाच्या काळामध्ये लोकांची सेवा केली आणि जिथे लोकांवर अन्याय झाला त्या त्या ठिकाणी संघर्ष केला। आज या ठिकाणी बसलेले अनेक लोक असे आहेत की ज्यांच्यावर दोन दोन चार चार पाच पाच सात सात केसेस लागल्या पण तरी कोणी चिंता केली नाही, कोणी जुमानलं नाही। जोपर्यंत जनतेला न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही रस्त्यावर संघर्ष करणारच या निर्धाराने अडीच वर्ष आपण संघर्ष करत होतो, आणि तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने अडीच वर्षानंतर पुन्हा एकदा महाराष्ट्रामध्ये आपलं सरकार शिवसेना भाजपा युतीचं सरकार आलं। एकनाथराव शिंदेजी खरं म्हणजे शिवसेना आपल्यासोबत निवडून आली होती, मोदीजींचे मोठे मोठे फोटो लावून निवडून आली होती, उद्धवजींचा फोटो स्टॅम्प साईज आणि मोदीजींचा फोटो एवढा असं लावून निवडून आली होती ना। ते काय उद्धवजींच्या फोटोवर तर निवडून आली नव्हती, पण तरी देखील आपल्या पाठीत खंजीर खुपसून काँग्रेस राष्ट्रवादीसोबत ते गेल्यानंतर शिवसेनेमध्ये जे खरे बाळासाहेब ठाकरेंचे पाईक होते, त्यांच्या विचारावर चालणारे होते, ते शिंदेसाहेबांच्या नेतृत्वात बाहेर पडले। त्यांनी सांगितलं हिंदहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंच्या विचाराशी प्रतारणा करणार नाही आणि आम्ही काँग्रेस राष्ट्रवादीसोबत राहणार नाही, आणि ते आपल्यासोबत आले। आणि ज्यांना 2019ला जनतेने निवडून दिलं होतं तीच शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आज पुन्हा या ठिकाणी स्थापन झालं। खरं म्हणजे ते स्थापन झाल्यानंतर सातत्याने सरकार आहे, चुकीचं सरकार आहे हे सांगितलं जात होतं, पण परवा सर्वोच्च न्यायालयाने देखील आदेश दिला
आणि सांगितलं एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वातलं सरकारच लेजिटिमेट सरकार आहे आणि त्यांना सरकार स्थापन करायला सांगणं हे किती योग्य होतं हे देखील या निकालामध्ये आलं। पण काही लोकांचं काय चाललं आशिषजी, ते सांगतात आम्हीच जिंकलो। म्हटलं तुम्ही जिंकलं तर बळवा। पण काय आहे की आमचे उद्धवजी हे राजा महाराजांपेक्षा कमी नाही आहेत। आणि तुम्हाला माहिती आहे एक ती गोष्ट की जेव्हा एका राजाला एक पोपट फार आवडत होता आणि पोपट मेला, आता प्रश्न राजाला सांगेल कोण पोपट मेला आहे, कारण जो सांगेल त्याचा शिरच्छेद होणार। त्यामुळे कसा आहे आमचा पोपट? पोपट तर साहेब ठीक आहे पण काही खात नाही पित नाही। मग दुसऱ्याला कसा आहे आमचा पोपट? पोपट तर साहेब चांगला आहे पण बोलत नाही। चौथ्याला पोपट तर चांगला आहे साहेब पण मान हलवत नाही। पोपट तर चांगला आहे साहेब पण पाय हलवत नाही। अशीच या निर्णयानंतर शिवसेनेची अवस्था झाली। त्यांना माहिती आहे पोपट मेला आहे, पोपट मेला आहे माहिती आहे, पण तरी सांगतात नाही 16 रद्द होणार, 20 रद्द होणार, 22 रद्द होणार। आता ठीक आहे, मी काही मेरिटमध्ये जात नाही कारण अध्यक्षांना ते अधिकार दिले आहेत। मी कधी कायद्याचा अवलंब करणारा, कारण मी कायद्याचा पदवीधर आहे, कायद्याच्या पलीकडे जात नाही। पण मला असं वाटतं की कोणीतरी उद्धवजींना हे समजून सांगितलं पाहिजे की उद्धवजी आता पोपट मेला आहे, आता हे सरकार या ठिकाणी टिकणारही आहे, हे सरकार काम करणारही आहे आणि हे सरकार पुन्हा निवडूनही येणार आहे। अडीच वर्ष मोदीजींचा विकास तुम्ही थांबवून ठेवला, अडीच वर्ष सांगा, अडीच वर्षामध्ये देशभरामध्ये त्या ठिकाणी मेट्रोची कामं होत होती, आमची मेट्रोची कामं बंद होती। अडीच वर्षामध्ये देशभरामध्ये रस्त्यांची कामं होत होती, आमची रस्त्याची कामं बंद होती। अडीच वर्षामध्ये देशभरात होता, आमचा विकास मात्र बंद होता। सगळ्या गोष्टींना स्थगिती होती। एकच कारण होतं, असूया होती की ही सगळी प्रोजेक्ट पूर्ण झाली तर भारतीय जनता पक्षाला आणि मोदीजींना त्याचं श्रेय, आणि म्हणून मोठ्या प्रमाणात आपल्याला आश्चर्य वाटेल, प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये गरीबाला जे पैसे द्यायचे आहेत त्या पैशाला देखील अडवण्याचं काम केंद्रकार सांगायचं की तुम्हाला आम्ही 2000 कोटी दिले होते ते वापरल्याची यूसी पाठवा, युटिलायझेशन सर्टिफिकेट, आणि अजून 2000 कोटी घेऊन जा। दीड वर्ष यूसी पाठवली नाही म्हणून पैसे आले नाही। आणि मग इकडे सांगायचं लोकांचे घर अर्धवट राहिलंय, सांगायचं काय करायचं, मोदीजींनी पैसा थांबवलाय, मोदीजी पैसेच देत नाहीये। आम्ही सरकारमध्ये आल्यानंतर 1 महिन्यात यूसी दिली, त्याच्या पुढच्या 25 दिवसांमध्ये 1800 कोटी रुपये महाराष्ट्राला प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये मिळाले। त्यामुळे यांनी केवळ वसुली केली, वसुली तर किती केली माहितीच आहे, म्हणजे वाजेची कथा सांगण्याची आवश्यकता नाही आहे। यांच्या वसुलीचे वेगवेगळे जे काही म्हणजे माध्यम आहेत ते सांगण्याची आवश्यकता नाही आहे, पण एक प्रकारे महाराष्ट्र सूड उगवण्याचं काम यांनी केलं। अशा प्रकारच्या सगळ्या या योजना रखडल्यामुळे आज तुम्ही बघा, अंडरग्राउंड मेट्रो जी कम्प्लीट झाली असती, जी मेट्रो मुंबईची लाईफलाईन आहे, कुलाव्यापासून सिप्सपर्यंत 40 किलोमीटरची देशातली सगळ्यात मोठी, देशातली नाही एशियातली सिंगल सगळ्यात मोठी लाईन आहे, ज्याचं 80% काम आपण पूर्ण केलं होतं, ती देखील यांनी थांबवून ठेवली। परिणाम काय झाला? 10,000 कोटी रुपये जास्तीचे मोजावे लागतील, एवढं कॉस्ट एस्कलेशन 10,000 कोटी रुपयाचं त्या मेट्रोमध्ये झालं। आज हे 10,000 कोटी रुपये गरिबाच्या कामाला नसते आले, आज या ठिकाणी वेगवेगळ्या योजनांकरता ते नसते आले। आणि म्हणून आज खऱ्या अर्थानं सरकार तर आपलं स्थापन झालंय, पण हे लक्षात ठेवा की जसं मी सांगितलं राजाचा जीव पोपटामध्ये आहे, तर दुसरा पोपट कुठला आहे? कुठला आहे? कुठला आहे? बीएमसी। त्यामुळे हा जो राजकीय प्राण म्हणत नाही, त्यांनी अजून 100 वर्ष जगावं, पण हा जो राजकीय प्राण आहे हा राजकीय प्राण नाही आहे, खरं म्हणजे कुरण आहे। कुरण तुम्हाला माहिती आहे ना, गाई मशीन करता चारा असतो कुरण असतं, तसं हे त्यांचं कुरण आहे। 25 वर्ष हे कुरण खाऊन खाऊन ते मोठे झाले आहेत। या ठिकाणी या मुंबईची तिजोरी लुटून लुटून हे मोठे झाले आहेत। आज तुम्ही बघा, एकनाथराव शिंदेंनी आम्ही निर्णय केला की या ठिकाणी काँक्रीटचे रोड बांधायचे, हे नसते बांधू शकले। आज आम्ही 6,000 कोटीचे
दोन अडीच वर्षामध्ये मुंबईमध्ये महानगरपालिकेच्या अखत्यारीतला एकूण एक रस्ता आम्ही काँक्रीटचा करतोय आणि तो झाल्यानंतर हे दरवर्षी 2-3 हजार कोटी रुपये हे खर्च करायचे रस्त्यांवर. आम्ही यावर्षी 6 हजार कोटी, पुढच्या वर्षी 6 हजार कोटी, एक 10-12 हजार कोटी रुपये खर्च केले की त्याच्यानंतर 40 वर्ष एक पैसा रस्त्यावर खर्च करावा लागणार नाही. असंच मुंबईला लुटत गेले, असंच मुंबईला खात गेले आणि त्यामुळे जो पैसा मुंबईकरांचा आहे, आज तुम्ही बघा, मी तुम्हाला साधं उदाहरण सांगतो की आपल्याला वेगवेगळे जे आपले प्रकल्प आहे, जसं धारावीसारखा प्रकल्प आहे, धारावीचा प्रकल्प अंतिम टप्प्यामध्ये आपण आणून ठेवला होता, सगळं केलं होतं त्याचं, 2.5 वर्ष धारावीच्या प्रकल्पाला हात देखील यांनी लावला नाही. आपलं सरकार आलं, आपण टेंडर केलं, माझं अपेक्षा आहे पुढच्या 3 ते 4 महिन्यात धारावीचं काम सुरू आपण करू आणि त्यानंतर या धारावीमध्ये पूर्णपणे बदल झालेला आपल्याला दिसेल. त्यामुळे एकूणच या ठिकाणी विकासाला चालना देण्याकरता ही महानगरपालिका जी आहे, जेव्हा इलेक्शन होईल, ऑक्टोबर हो, नोव्हेंबर हो, सप्टेंबर हो, जे काय होईल, म्हणजे आता कोणालाच माहित नाही, कारण सुप्रीम कोर्टमध्ये केस आहे, पण सुप्रीम कोर्टात जुलैमध्ये जर केस लागली तर कदाचित त्याच्या पुढच्या 2 महिन्यामध्ये त्याचा निकाल येऊ शकतो. जेव्हाही ती हो, त्यावेळी ही महानगरपालिका यांच्या विळख्यातनं बाहेर काढली पाहिजे. ज्या महानगरपालिकेच्या पैशाच्या भरोशावर हे पोसले जात आहेत, तो पैशाचा खुराक जोपर्यंत आपण बंद करणार नाही आणि मुंबई महानगरपालिकेची तिजोरी ही मुंबईकरांच्या हातात जोपर्यंत आपण देणार नाही. बघा, एवढे कामं आपण केले, आज मुंबई एवढीच बदलते आहे. आज मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणात रस्त्यांची कामं चालली आहेत. आज मुंबईमध्ये स्लम्समधले संडास आपण चांगले केले, त्या ठिकाणी लाईट आपण लावले, त्या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याच्या काही योजना आपण केल्या, अनेक ठिकाणी आपण मोठ्या प्रमाणात मेकॅनाइज पद्धतीचं कपडे धुण्याच्या मशीन्स देखील त्या ठिकाणी लावल्या, इतकं सगळं सौंदर्यीकरण केलं. हे सगळं आपण करतो आहोत, हे करत असताना यांचा आरोप काय, म्हणाले तुम्ही मुंबईचे पैसे संपवताय, तुम्ही मुंबईचे पैसे संपवताय. पैसे काय चाटण्याकरता ठेवले आहेत? पैसे जनतेकरताच आहेत. पण तरी देखील आम्हाला असं वाटलं की चुकून आपण संपवत तर नाहीये. लक्षात आलं, एवढं सगळं केल्यानंतरही मुंबई महानगरपालिकेच्या डिपॉझिटमध्ये 10 हजार कोटीची वाढच झाली आहे. म्हणजे मग मला प्रश्न पडला की आधी पैसे जात कुठे होते, काय नेमकं त्या पैशाचं होत होतं. आणि म्हणून मुंबई महानगरपालिका आपल्याला जिंकायची आहे, ती काही कोणाला महापौर बनवायचा, उपमहापौर बनवायचा याकरता नाही, मुंबईची महानगरपालिका मुंबईच्या जनतेला आपल्याला सोपवायची आहे. मुंबईची तिजोरी मुंबईच्या जनतेच्या हातामध्ये आपल्याला द्यायची आहे आणि त्यानंतर मोदीजींच्या नेतृत्वात लोकसभा आपण जिंकू आणि मोदीजींच्या आशीर्वादानं विधानसभा देखील आपण जिंकू. आणि त्याकरता आपल्या सर्वांना माझी विनंती आहे, आपापल्या प्रकोष्ठामध्ये, आपापल्या मोर्चामध्ये, आपापल्या आघाडीमध्ये आपण कृपया आपण या ठिकाणी चांगल्या प्रकारचं काम करावं. खरं म्हणजे आज वेगवेगळ्या ज्या आघाड्या काम करतायत त्या आघाड्यांना माझी विनंती आहे की आता नवमतदारांची नोंदणी करणं गरजेचं आहे. प्रत्येक आघाडीने नवमतदारांची नोंदणी आज या ठिकाणी केली पाहिजे, कारण आपल्याला आश्चर्य वाटेल, मध्यंतरीच्या काळामध्ये इलेक्शन कमिशनचे लोक आले होते आणि त्यांनी सांगितलं की आपल्याकडे 18 ते 22 हा जो वयोगट आहे, या वयोगटामध्ये युनिव्हर्सिटीमध्ये रजिस्टर्ड अशा प्रकारच्या विद्यार्थ्यांची संख्या आणि त्यापैकी किती वोटर आहे अशी संख्या जर विचार केला तर ती केवळ 20% आहे. म्हणजे 80% 18 ते 22 हा वयोगट रजिस्टर व्हायचा आहे. आणि हा कुठला वयोगट आहे? हा मोदीजींना मानणारा वयोगट आहे, हा मोदीजींच्या कामावर प्रसन्न असलेला वयोगट आहे, हा भारतीय जनता पक्षाचा वयोगट आहे. त्यामुळे या 18 ते 22 वाल्या वयोगटाला आज मोठ्या प्रमाणात आपल्याला आकृष्ट केलं पाहिजे. आज स्किल डेव्हलपमेंटमुळे आज आमचे लोढाजी या ठिकाणी आहेत, लोढाजींनी स्किल डेव्हलपमेंटचं काम अतिशय उत्तम केलं आणि आज प्रत्येक विधानसभेमध्ये त्यांनी एक कार्यक्रम लावलेला आहे की ज्याच्यामध्ये
करिअर काउन्सिलिंग पण होत आहे, स्किल डेव्हलपमेंट पण होत आहे आणि नोकऱ्या देण्याकरता त्या ठिकाणी रोजगार मेळा देखील होतो आहे। माझी विनंती आहे, हा कार्यक्रम जरी सरकारी असला तरी त्या ठिकाणी आपण काही पक्षाचं घेऊन बसत नाही आहे, त्या ठिकाणी येणाऱ्या मुलाचं रजिस्ट्रेशन तर आपण करू शकतो, त्या ठिकाणी इलेक्शन कमिशनशी बोलून एक काउंटर तर आपण लावू शकतो, आलेल्या प्रत्येकाला आपण त्या ठिकाणी वोटर तर बनवू शकतो, तसंच आपापल्या मोहल्ल्यामध्ये आपापल्या भागातल्या शाळा कॉलेजेसमध्ये जे आपले विद्यार्थी आहे यांना कसं वोटर आपल्याला बनवता येईल याचा विचार आपण केला पाहिजे। आणि येत्या काळामध्ये मला विश्वास आहे की तुम्ही सगळ्यांनी जर या ठिकाणी मनामध्ये आणलं आणि जेवढ्या आघाड्या आणि प्रकोष्ठ आपले या ठिकाणी उपस्थित आहेत या सगळ्यांनी जर ताकद लावली तर मुंबईच्या महानगरावर भाजपा शिवसेना रिपा युतीचा भगवा झेंडा हा लागल्याशिवाय राहणार नाही, तो कोणी थांबवू शकणार नाही आणि म्हणून त्याकरता आपण सर्वांनी काम करावं एवढीच विनंती करतो आणि माझे दोन शब्द संपवतो, जय हिंद जय महाराष्ट्र। मैं प्रतीक करपे जी से विनती करता हूं कि वो महाराष्ट्र के सह प्रभारी जयभान सिंह जी पवैया उपस्थित है, वो उनका स्वागत करें जयभान सिंह जी का। अभी हम जिनके मार्गदर्शन की राह देख रहे हैं, जिन्हें सुनने के लिए हम यहां पर आए हुए हैं, जो सिर्फ 32 साल की उम्र में ही 1993 में हिमाचल प्रदेश से विधायक के रूप में चुनकर आए और विधायक बनने के बाद हिमाचल प्रदेश की सरकार में वो मंत्री थे, मोदी जी की सरकार में वो मंत्री थे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी उनके ऊपर आई और पन्ना प्रमुख बनाने का जो अभियान उन्होंने पूरे देश में वो लेकर जा रहे हैं, ऐसे हमारे कुशल संगठक हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से मैं विनती करता हूं कि वो इस बैठक को संबोधित करें। आदरणीय नड्डा जी, बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज के इस सम्मेलन में जिसमें प्रकोष्ठ अगाड़ी हमारे सेल सभी इसमें उपस्थित हैं, उसमें मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मेरे वरिष्ठ साथी श्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे बहुत ही जुझारू और कर्मशील और संवेदनशील मुंबई के अध्यक्ष श्री आशीष शेलार जी, हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जी, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री प्रकाश जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री टी रवि जी, हमारे सह प्रभारी जयभान सिंह पवैया जी, हमारे मंगल प्रभात लोढ़ा जी मंत्री जो महाराष्ट्र सरकार में हैं, श्री अमित सत्तम जी जो जुहू के विधायक हैं, हमारे लोकप्रिय सांसद और संसद में मेरे साथी श्री मनोज कोटक जी, हमारे प्रतीप करपे जी जो सोशल मीडिया के इंचार्ज हैं, श्रीमती भारती लवेकर जी जो विधायक हैं, विद्या ठाकुर जी, श्री अमरीश पटेल जी जिनके हम का प्रांगण में ये कार्यक्रम कर रहे हैं जो विधान परिषद के सदस्य हैं, श्री संजय उपाध्याय जी महामंत्री मुंबई के सम्मानित मंच, और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में हमारे सभी अगाड़ी और हमारे मोर्चे और सेल के और प्रकोष्ठ के जिला स्तर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु, सबसे पहले तो मैं आप सब लोग बड़े शॉर्ट नोटिस पर इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं और आपके नारों से मुझे आपके जोश का अंदाजा हो जाता है। उससे मुझे
उससे मुझे पता चल जाता है कि आपके अंदर कितनी ऊर्जा है। इसलिए सबसे पहले तो आपको उस ऊर्जा के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दूसरी बात, मैं आशीष शेलार जी को और हमारे आयोजकों को बधाई देता हूं जिन्होंने इतनी अच्छी एक सम्मेलन करके सारे विषय को रखने का प्रयास किया है। और तीसरी बात कि आशीष शेलार जी ने और देवेंद्र फडणवीस जी ने जो आप लोगों के जोश भरा है उसमें मुझे कुछ ज्यादा जोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने बहुत डिटेल में आपके साथ सारे विषयों को रखा है और आपने उसको अच्छे तरीके से ग्राह्य भी किया है। लेकिन मैं आया हूं तो कुछ बातें मुझे करना मेरी जिम्मेवारी भी होती है और आपके साथ शेयर करना भी आवश्यक होता है। मैं जब भी कोई चर्चा करता हूं तो हमेशा इस बात की चिंता करता हूं कि जो हमारे सामने बैठे हुए लोग हैं उनको उनकी बुलंदियों का एहसास है नहीं है, है तो कितना है, और अगर नहीं है तो उनको अपनी बुलंदियों का एहसास जरूर होना चाहिए। मित्रों, हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आज राजनीति में हर एक कोई अपने तरीके से अपनी अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करता है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमें भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में काम करने का मौका मिल रहा है। ये हम लोग बहुत सौभाग्यशाली समझे जो हमको ये मौका मिला है। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, ऐतिहासिक तथ्य है, क्योंकि ये अकेली पार्टी है जिसकी ग्रोथ साइंटिफिक है, ये अकेली पार्टी है जिसकी ग्रोथ वैचारिक है, ये अकेली पार्टी है जिसकी ग्रोथ के साथ साथ कार्यकर्ता का डेवलपमेंट इनबिल्ट है। आप दुनिया में, देश में सभी पार्टियों की तरफ नजर दौड़ाइए। सबसे पहली बात तो यह है कि हम ऐसे समय में कार्यकर्ता बने हैं जब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई है। 18 करोड़ की पार्टी है, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो 9 करोड़ की है, यानी वी आर दी लार्जेस्ट पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी। और हम ऐसे समय में काम कर रहे हैं जब हमारा नेतृत्व तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और ये ऐतिहासिक पल है। मैं ऐतिहासिक इसलिए कहता हूं क्योंकि करके लोग भारतीय जनता पार्टी पर रिसर्च करेंगे और वो इस पर चर्चा करेंगे कि मोदी एरा में किस तरीके से देश ने छलांग लगा करके विकास को किया। इसलिए उस समय हमको काम करने का मौका मिल रहा है, सो वी आर प्रिविलेज्ड। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम उसके पार्ट एंड पार्सल, उसको अपनी आंखों से देख रहे हैं, उसको हम समझ पास कर पा रहे हैं। दूसरी बात कि हम अमृत काल में पार्टी के साथ जुड़े हैं। काल का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बना देना है, इस पर हम काम कर रहे हैं और उस काम के हम सब पार्ट एंड पार्सल हैं। हम सब लोगों में से ज्यादातर लोग 2047 देखने वाले हैं, तो 2047 तक के बदलाव में हम पार्ट एंड पार्सल, तो एक बहुत बड़ी बात है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हां, हमें भी काम करने का अवसर मिला था। अब आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी यानी भारतीय जनसंघ 50 के दशक से हम काम कर रहे हैं, 4 पीढ़ियां खप गई, पीढ़ी दर पीढ़ी कभी हमारा प्रधानमंत्री होगा, कभी हमारी देश में सरकार बनेगी। आज हम, हमारी पार्टी की ताकत, हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से देश को आगे बढ़ा रहे हैं, ये हम सबका सौभाग्य है कि उस समय के पार्ट एंड पार्सल और इतिहास के गवाह हम बन रहे हैं, हमें काम कर रहे हैं। बात और, आप सभी पार्टियों की तरफ नजर दौड़ाइए, किसी के पास नेता है तो नीति नहीं है, किसी के पास नीति है तो नेता नहीं है, किसी के पास नेता भी मिल जाए नीति भी मिल जाए तो नियत नहीं है। अगर नियत मिल जाए तो किसी के पास कार्यकर्ता नहीं है।
और किसी के पास अगर कार्यकर्ता है तो ताकत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जिसके पास देश में दुनिया में स्थापित जिनकी थाती बोलती है, ऐसे हमारे नरेंद्र मोदी जी वहां से लेकर हमारे वार्ड स्तर तक नेता हमारे हैं। हमारे पास नेता है, नीति है, और सबसे बड़ी बात है कि नियत है और कार्यकर्ता है और ताकत है और काडर है, ये हमारी विशेषता है। इसलिए मित्रों, ऐसी परिस्थितियों में हम आगे न बढ़े या हम आगे न जाएं तो यह हम लोगों के लिए एक बहुत ही दिक्कत की बात होगी। ये हमारा चैलेंज है, ये हमारे हमें कोई कारण नहीं है कि हम कहें कि हमको दिक्कत है। हमें हमेशा और आगे बढ़ते जाना है। दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी है, एक काडर बेस्ड पार्टी है और एक मास फॉलोइंग वाली पार्टी है। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजिकल डाइल्यूशन हो गया कि नहीं हो गया? कहां से चले थे, कहां पहुंच गए? बाकी जो रीजनल पार्टीज हैं उनका तो आइडियोलॉजिकल ग्रोथ ही नहीं हुआ था, तो डाइल्यूशन क्या, वो तो खड़े ही नहीं हो पाए थे वैचारिक पृष्ठभूमि पर। कोई पॉलिटिकल पार्टी आप उठाकर देख लीजिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज परिवार की पार्टियां बन गई हैं। और अगर रीजनल एस्पिरेशंस में भी वो खड़ी हुई, अगर डीएमके ने कभी वहां के लोकल इश्यूज को उठाने का प्रयास किया था, रीजनल एस्पिरेशंस का बात की थी, तो आज वो एक परिवार की पार्टी बन गई। कांग्रेस से टूट करके वाईएसआर कांग्रेस बनी थी, आज परिवार की पार्टी बन गई। चंद्रशेखर राव की पार्टी तेलंगाना राज्य समिति, जो भारत राज्य समिति बन गई, परिवार की पार्टी बन गई। ये सब परिवार की, आपके यहां भी उद्धव वाली पार्टी क्या थी? परिवार की पार्टी बन गई। ये आप देखेंगे कि अब उत्तर प्रदेश में हम किससे लड़ रहे हैं, 24 करोड़ का प्रदेश है, एक रीजनल पार्टी से लड़ रहे हैं, कांग्रेस समाप्त हो और उसके और उसमें कोई आइडियोलॉजी नहीं बची। आपने देखा होगा भी अखिलेश यादव अतीत के लिए खड़े हुए, आइडियोलॉजी कहां चली गई, कहां खड़े हो गए? अपने को आईने में भी देखने में शर्म नहीं आती होगी, क्या स्थिति आकर के खड़ी हुई? बिहार तेजस्वी लालू मीसा पार्टी, बंगाल उठाकर देख लो, ममता भाईपो भतीजा उनका, उनकी पार्टी बन गई है। यानी आप सब जगह नजर दौड़ा करके देखिएगा तो आपको ध्यान में आएगा कि सभी रीजनल पार्टीज धीरे धीरे परिवार की पार्टियां बन गई और वैचारिक दृष्टि से समाप्त हो गई। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान 1953 में दिया, 53 में दिया, तो हम नारा लगाते रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान, देश में दो निशान दो विधान दो प्रधान नहीं चलेंगे। और 2019 के 6 अगस्त को पार्लियामेंट में, राज्यसभा में और लोकसभा में धारा 370 को धाराशाही कर दिया मोदी जी ने, यह अमल। मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। कब? 1953 में, एक देश में दो निशान दो विधान दो प्रधान नहीं चलेंगे। लेकिन पीढ़ी निकल गई, हमारा लक्ष्य वही रहा, ये हमारी आइडियोलॉजी। हम कहते थे रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, और हमसे लोग पूछते थे रामलला हम आएंगे तारीख कब बताएंगे, उनको तारीख भी बता दी, शिलान्यास भी कर दिया और आगे चल करके उसका उद्घाटन भी होगा वह दिया। तो हम आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी है, हमारी विचारधारा को लेकर के चलने वाली पार्टी है, हमने हर मुद्दे को अपने ढंग से रखा है और स्ट्रेटजी बदल सकती है, लेकिन हमारे उद्देश्य और हमारी नियत और नीति वही रहेगी, ये हमको ध्यान में रखना है। इसलिए हम आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी तो हम बताते ही हैं कि 10-40 हजार बूथ हमारा काम, 8,40,000 बूथ खड़ा है और हम रुकने वाले नहीं है। हम
आपने देखा होगा, प्रदेश अध्यक्ष जानते हैं, हर बैठक में मैं मॉनिटर करता हूं और मुझे कोई बोलता है मेरा कार्यक्रम हो गया तो मैं टैग भी डालो, लोकेशन भी डालो और फोटो अपलोड करो, सरल पोर्टल पर भी करो, सरल ऐप पर भी करो और नमो ऐप पर भी करो। ये इस साइंटिफिक डिजिटल दुनिया में हमको बढ़ना आगे तो हमको सारे सारे डिजिटल हमको आगे बढ़ना, लेकिन हम काडर बेस्ड पार्टी है और हम मास फॉलोइंग वाले पार्टी है। आज हमारे 303 लोकसभा में एमपी, 93 राज्यसभा में एमपी, 13,800 के आसपास 1,385 हमारे एमएलएज हैं, 100 से ज्यादा हमारे मेयर्स हैं, हजारों की संख्या में हमारे जिला, तो हम एक ब्लॉक समिति के सदस्य हैं, हमारे कॉरपोरेटर्स हजारों की संख्या में हैं, तो ये आज हमारी मास फॉलोइंग वाली पार्टी, 15 जगहों पर हम राज्य कर रहे हैं, एनडीए की सरकारें चल रही हैं, तो ये हमारे को समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी में काम करना ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए आप यहां अगर आए हैं तो आप समझिएगा कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा हुई। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जब मैं स्टूडेंट था तो कॉलेज में हॉस्टल में हम रहते थे और कैंटीन में बैठते थे, तो हर एक का अपना अपना कल्चर होता है, तो कांग्रेस वाले एनएसयूआई वाले जब भी आते थे तो सरकार की गर्मी में रहते थे तो हमको कहते थे नड्डा यू आर राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी, गलत, कोई फ्यूचर नहीं है। आजकल मुझे पूछते हैं, मिलते हैं तो मैं बोलता हूं आजकल तुम कहां हो, क्यों? क्योंकि हम कुर्सी नहीं देख रहे थे, हम विचार देख रहे थे और उस विचार के लिए लड़ने के लिए तैयार थे, इसलिए हम आगे बढ़े। हमारे कम्युनिस्ट भाई होते थे, उनको आदत थी सिगरेट पी करके गुलछर्रे छोड़ना, माओ ये लेनिन ऐसी बातें करते थे। आजकल मिलते हैं, मैं उनसे पूछता हूं कहां रह गए भाई, अरे आपको तो मालूम था हम लोग तो यूनिवर्सिटी तक ही थे। यानी गलत विचारधारा के साथ जुड़ने के कारण, ऐसा नहीं था कि उनकी कोई इच्छा नहीं थी कि वो अच्छा काम करें, था, लेकिन पार्टी गलत चुन ली थी, जगह गलत चुन ली थी। इसलिए हम अगर भी आए हों, बाय आइडियोलॉजी भी आए हों, बाय एनी रीजन से आए हों, वी आर इन द राइट पार्टी, इस बात को हमको समझ करके चलना। और आप सब लोग पूरी बढ़ाएंगे। अब देखिए, आज आपको फख्र के साथ आप कह सकते हो कि हम नेतृत्व में जो देश आज से 2014 में 10वीं अर्थव्यवस्था पे खड़ा था, आज वो 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। और किसको हमने ओवरटेक किया है? ब्रिटेन को, जिसने हमको 200 साल राज किया, आज हम ओवरटेक करके हम आगे बढ़ चुके हैं। और वहां का प्रधानमंत्री ऋषि सुनक क्या बोलता है, टाइम इज नॉट फार व्हेन इंडिया विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ये वो बोल रहे हैं। 400 बोइंग के ऑर्डर भारत दे, एयरबस को और बोइंग को ऑर्डर दे, अमेरिका की इकोनॉमी में अमेरिका का प्रेसिडेंट बोले कि इसके चलते हमारे यहां इंप्लॉयमेंट आएगा, ऋषि सुनक ये बोले कि इंडिया सबसे बड़ी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। ये मोबाइल फोन हम लोग लेते हैं, 2014 में 92% ऑफ द मोबाइल वॉज फ्रॉम चाइना एंड फ्रॉम अदर कंट्रीज इन इंडिया। टुडे इंडिया इज मैन्युफैक्चरिंग 97% ऑफ मोबाइल एंड गेमिंग। एप्पल ने लग गया है, एप्पल सस्ता हो गया है, इसको हमको समझना पड़ेगा। हम बचपन में सुनते थे जापान की गाड़ी टोयोटा डैटसन सुनते थे सब लोग, आज जापान को पिछाड़ करके इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मार्केट इन द वर्ल्ड। जापान से हम ओवरटेक कर गए। अगर हम स्टील की बात करें, चौथे से हम दूसरे नंबर पर आ गए। एक आर्थिक दृष्टि से आप देखिए, इसको कुछ डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज में रशिया का इन्फ्लेशन रेट 11.8% है, इन्फ्लेशन रेट इटली का 10% है, यूनाइटेड किंगडम का 10.1% है, ऑस्ट्रेलिया का 7.8% है और इंडिया 6.5 पर खड़ा है।
दुनिया में मंदी आई है कोरोना के और यूक्रेन का की बार सप्लाई चेन पर पड़ी है, लेकिन यह स्थिति है। जीडीपी की बात कीजिए, चाइना की जीडीपी ग्रोथ जो है वो 3.2% है, फ्रांस की 2.5% है, जर्मनी की 1.5% है, यूनाइटेड किंगडम की 3.6% है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की 1.6% है, इंडिया की 6.8% ग्रोथ रेट। यानी जब सारी इकोनॉमीज लड़खड़ा रही तो इंडिया मोदी जी के नेतृत्व में स्टेबल होकर के आगे बढ़ रहा है। अब ये सब ये परसेंटेज मैं कहां कांग्रेसी भाइयों को समझाऊं जिनको ये समझ में नहीं आएगा। इट इज सो डिफिकल्ट भाई, हम किसी के को दृष्टि दे सकते हैं? विजन थोड़ी ना दे सकते हैं, उसकी दृष्टि सुधार सकते हैं, विजन तो उसका ही होगा। जिसने देखना ही नहीं तो मैं क्या करूं? कुछ बातें सुन ली है उसको लेकर के बढ़ते रहते हैं। हमारे यहां मोदी जी हर एक महीने मेला कर रहे हैं और रोजगार दे रहे हैं और उसके अवसर प्रदान कर रहे हैं। आफ्टरऑल ये इंडियन क्या हुआ, सब लोगों ने कोरोना में फ्री बीज बांटे, मोदी जी ने यही पैसा गरीबी को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में लगाया, एग्रीकल्चर सेक्टर में 1,00,000 करोड़ रुपए लगाया, एमएसएमई सेक्टर में इन्वेस्ट किया और सबसे ज्यादा 10,00,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया जिसने भारत की इकोनॉमी को, अगर सड़क बनती है तो इकोनॉमी बढ़ती है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में कनेक्टिविटी बढ़ती है तो इकोनॉमी बढ़ती है। प्रदेश के प्रदेश की रेलवे लाइंस को इलेक्ट्रिफाई किया जा रहा है, तीव्र गति से काम हो रहा है। अब 3 वंदे भारत और 3 साल के अंदर 300 ट्रेनें चलने वाली हैं, हर 15 दिन तक एक नई ट्रेन चल रही है। कल प्रधानमंत्री जी पुरी में श्री गणेश करने वाले हैं एक ट्रेन का, हर 10-15 दिन में किसी न किसी उसका ट्रेन वंदे भारत। और वंदे भारत में मैं चाहूंगा कि आप लोग कभी सफर कीजिए, आपको नए भारत का आपको नजर आएगा कि आज भारत की ट्रेन कैसी हो गई। चीजें हमको समझने की है, जानने की है और इनको लोगों के सामने रखने की है। अब आत्मनिर्भर भारत की बात करेंगे, अगर डिफेंस में एक्सपोर्ट्स में हम 16,000 करोड़ डिफेंस एक्सपोर्ट्स 16,000 करोड़ हम अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी अब हम दुनिया को दे रहे हैं, और भारत का इंपोर्ट जो है वह लगभग 11% ड्रॉप हुआ है। यानी हम लेना कम कर रहे हैं और देना बढ़ा रहे हैं और दुनिया को हम दे रहे हैं, ये स्थिति आकर के खड़ी हो गई। नहीं तो भारत किस लिए जाना जाता था, ये स्कैम वो स्कैम, ये डील वो डील, मतलब इक्विपमेंट खरीदना मतलब स्कैम, यही भारत जानता था। आज हम लोगों ने प्रोक्योरमेंट अपनी बढ़ा दी है और प्रोक्योरमेंट में आत्मनिर्भर भारत में भारत खुद बनाने लगा है। बहुत से ऐसे आइटम्स हैं जिसको तो हम लोगों ने तय ही कर लिया है, मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने तय ही कर लिया है कि ये आइटम भारत में ही बनेंगे और हम भारत वाले अपने लिए भी रखेंगे और दुनिया को भी देंगे, ये स्थिति आकर के खड़ी। कोरोना मैनेजमेंट में मैं आपको बता दूं, देखिए हेल्थ मिनिस्टर रहा हूं, इस देश ट्यूबरक्लोसिस को नेशनल प्रोग्राम बनने में, इस देश में टेटनेस की दवाई को आने में 40 साल लग गए, इस देश में जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवा को जापान में बन गया था 100 साल लगे, 1906 में आया था 2006 में भारत में पहुंचा, और वो भी जब योगी जी बने एमपी थे तो उनके क्षेत्र में इंसेफ्लाइटिस आया, दवा को पहुंचने में 20 साल लग गए। और इधर कोरोना आया, 9 महीने के अंदर प्रधानमंत्री जी ने एक नहीं 2-2 वैक्सीन बनाकर दी, और इंडिया 100% डबल डोज लेकर के तैयार है, ये भारत की स्थिति बन गई। अमेरिका में भी 76% की वैक्सीनेशन हुई है, यूरोप में 67% की वैक्सीनेशन हुई, जापान में भी इसी प्रकार का है, लेकिन भारत डबल डोज और बूस्टर लगा करके तैयार है। और जजमेंट डिसीशंस देखिए आप, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, एक बात तय हुई कि 100 साल पहले महामारी आई थी और 100 साल में बीमारी से ज्यादा लोग भुखमरी से मर गए थे, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ की जनता को 2 वक्त की रोटी का इंतजाम किया और 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, ये देने की व्यवस्था की। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10,00,000 करोड़ रुपए खर्च किए, एमएसएमई सेक्टर के लिए खर्च किया, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च किया, इसका इम्पैक्ट आकर के हम सब लोगों को देखने को मिलता है। और मैं कई बार इसकी चर्चा भी करता हूं, भारत की
धाक और भारत की धूम और भारत की ताकत और आवाज को अगर आपको जानना हो, अफगानिस्तान से कौन कौन देश था जिसने अपने लोगों को वापस लिया? आपने वो तस्वीरें देखी ना कि एयरक्राफ्ट उड़ने जा रहा है और कोई चक्का पकड़ के खड़ा है, देखा है ना आपने? और एक एक अफगान से भारत के लोग और अफगान के लोगों को भी लेकर के आए, अन्य देशों के भी लोगों को लेकर के आए। यूक्रेन में लड़ाई में बताइए, प्रधानमंत्री जी ने पुतिन से बात की कि नहीं की? ज़ेलेंस्की से बात की कि नहीं की? और थोड़े समय के लिए सीज फायर कराया कि नहीं कराया? और 32,000 बच्चों को लेकर के भारत के तिरंगा झंडा के 4 मंत्री, कैबिनेट रैंक के मंत्री भेजे गए, बॉर्डर पर तुरंत उनका वीजा लगा और 114 फ्लाइट्स में 32,000 लोगों को लेकर के आए, भारत पहुंचाया। ये बदलता भारत है। अब कांग्रेस को क्या बताएं कि कैसे बदलता है भारत, जिसने बदलना ही नहीं, जो खुद ही ना बदले तो उनको क्या बताएं? लेकिन मैं तो आपके सामने आंकड़े रख रहा हूं कि कैसा बदलता हुआ भारत है। तो ये सब चीजों को हमको, कोविड डिप्लोमेसी की बात करें, भारत ने 100 देशों को वैक्सीन दी है और 48 देशों को मुफ्त दी है वैक्सीन। यानी भारत लेने वाला भारत नहीं है, भारत अब देने वाला भारत बन गया। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, अगर मैं यहां की बात करूं तो मुंबई में 38,800 करोड़ के प्रोजेक्ट जो हैं आपके यहां मुंबई में, वो उन प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिली है, फाउंडेशन स्टोन जिसका रखा गया है। मैं ठीक बोल रहा हूं देवेंद्र जी? 38,800 करोड़ का, और मुंबई में, और 225 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें 2,00,000 करोड़ रुपए का अप्रूवल मिला है, भारत सरकार ने दिया। अभी चर्चा हो रही थी आपके यहां सारे मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ कॉन्क्रीटाइजेशन हो रही है, शायद 160 किलोमीटर की हो रही है और 6,000 करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हैं, और सदा के लिए आप डांबर का की राजनीति समाप्त कर रहे हैं। तो इनोवेटिव भी हैं, कमिटेड भी हैं, इसलिए बोल रहे हैं नीयत भी है और नीति भी है। हमारी नीयत साफ है इसलिए नीति है, इसलिए सीमेंटेड हो रहा है, इसलिए उसी में डक्ट बनेंगे, उसी में सारी चीजों को बना करके मोस्ट मॉडर्न रोड्स को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि बंबई की जनता को इन सब चीजों से निजात मिल सके। तो ये सारी बातें हैं। उसी तरीके से मेट्रो रेल में लाइन में 2A और 7 का, उसको भी डेडिकेट कर दिया गया है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का जो रेलवे का है, वो 1800 करोड़ रुपए खर्च करके उसको रीडेवलप किया जा रहा है। आप देखिए किस प्रकार का, आप लोग कहते थे चाइना में ऐसा स्टेशन है, आप कहते थे वहां स्टेशन है, अब आप कहेंगे हमारे मुंबई में ऐसा स्टेशन। एक नए कॉन्सेप्ट के साथ बढ़ने का प्रयास किया गया है। तो इसलिए चाहे मुंबई हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कोई और, उसके लिए हर एक दृष्टि से अब नागपुर मेट्रो का फेज 1 जो है उसके लिए 8,650 करोड़ रुपीस दिया गया है। यहां से लेकर नागपुर तक की रोड 700 के लिए 55 खर्च हो रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होने से डेवलपमेंट कितनी फास्ट होती है। और ये सिर्फ सड़क नहीं होगी, इस सड़क के दाएं बाएं की जमीन की कीमत भी अलग होगी। सिर्फ सड़क ही नहीं होगी, इकोनॉमिक का बहुत बड़ा कारण बनेगा जिसको हमको समझना चाहिए। तो ये सारी डेवलपमेंट्स को हम सब लोग आगे बढ़ाने का। और प्रधानमंत्री जी ने पॉलिटिकल कल्चर भी चेंज कर दिया। अभी आशीष शेलार जी बात कर रहे थे, देवेंद्र जी बात कर, दोनों ने विकास की बात की और दोनों ने बताया अपना रिपोर्ट कार्ड कि हमने क्या किया और क्या करेंगे और क्या कर रहे हैं। आपने कभी कांग्रेस के स्टेट में कभी ऐसे इस तरीके का भाषण सुना है जहां वो आके बोलते हो कि मैंने ये किया? डिविजिव पॉलिटिक्स, लोगों को डिवाइड करना और डिवीजन में वोट बैंक की पॉलिटिक्स, यही वो करते रहे। और भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में पॉलिटिकल कल्चर को बदला है और आज जो कल्चर हुआ है वो डेवलप, उन्होंने परिवारवाद को चुना है, हमने विकासवाद को चुना है। और विकासवाद में भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला, किसान, इनकी चिंता की है। अभी किसान की दृष्टि से देखा जाए अगर तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 10,74,00,000 लोगों को 2,000 रुपए हर चौथे महीने हम दे रहे हैं, 6,000 रुपए दे रहे हैं।
और देवेंद्र जी उसमें और जोड़ रहे हैं और वो 6,000 वो दे रहे हैं नमो किसान सम्मान निधि की दृष्टि से, तो 12,000 उनको मिल रहा है। और कैसे मिल रहा है? डिजिटली मिल रहा है। मुझे याद है 11वीं किस्त प्रधानमंत्री जी ने शिमला के रिज मैदान से दी, उन्होंने एक बटन दबाया और 15 सेकेंड्स के अंदर 10,74,84,00,000 किसानों के खाते में 2,000 रुपए पहुंच गए। दिस इज चेंजिंग इंडिया, जिसको हमको समझना चाहिए। इसलिए पॉलिटिकल कल्चर को भी बदलने का प्रयास हुआ है और बजट के दृष्टि से भी सारी चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ है। मित्रों, मैं आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा और वो ये कि हम फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। हम फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना, वो आर्मी का इन्फेंट्री होती है, आप समझ रहे हैं, जो सबसे आगे चलती है। तो उसका काम होता है कि टारगेट सेट करना, कहां हिट करना है, कौन सी जगह नमी है, कौन सी जगह कमी है, किसको किस जगह पर देखना है और नए लोगों को अपने साथ जोड़ना है। ये फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। इसके लिए हमको दो ध्यान में रखना है, हमारा यूनिफॉर्म ग्रोथ हो, यानी अगर ओबीसी मोर्चा है तो कोई एक ही जाति का उसमें ओबीसी में तो नहीं डेवलप हो रहा है, सभी जातियों में डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर माइनॉरिटी मोर्चा है तो सभी माइनॉरिटीज में हमारा काम पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। अगर युवा मोर्चा है तो युवा मोर्चा में सभी कास्ट के बैकग्राउंड के युवा जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं। अगर महिला मोर्चा है तो सभी लोग महिलाएं जुड़ रही हैं कि नहीं जुड़ रही हैं, गृहिणी जुड़ रही हैं कि नहीं जुड़ रही हैं, वर्किंग लेडीज जुड़ रही हैं कि नहीं जुड़ रही हैं, पढ़ी लिखी जुड़ रही हैं कि नहीं जुड़ रही हैं, और उसमें यूथ जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, क्योंकि हमको फ्यूचर देख करके चलना है। और तीसरी बात, हमको डुप्लीकेशन से बचना है। मैं जब युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था तो क्या होता था, हाँ बहुत अच्छी संख्या हो गई, अब क्या होना, हमारे जिला अध्यक्ष ने भी वो नंबर जोड़ लेना और हमारे युवा मोर्चा ने भी वो नंबर जोड़ लेना। तो मैंने कहा ना, ये तो तुम लोग वो हुए दो भाई गए थे दुकानदारी करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम पानी बेचेंगे, तो कहा ठीक है, तो कैसे, एक चार आने में एक ग्लास पानी पिलाएंगे। तो कोई ग्राहक आया नहीं, तो एक भाई ने बोला ले चवरनी पकड़, एक ग्लास मेरे को दे दे। थोड़ी देर बाद उसने कहा मेरे को ये ले चवन्नी, अब तू मैं एक गिलास पानी पीता। दोपहर तक पानी समाप्त हो गया, चवन्नी वहीं की वहीं रही। आप समझ गए मेरी बात? तो कहीं हम ऐसा ना करें कि जिसको देवेंद्र जी बोल रहे हैं कि मैंने जोड़ा, उसको मैं भी बोलता रहूं मैंने जोड़ा और वो जुड़ा का जुड़ा रह जाए वहीं। हमको इसमें क्वांटिफाई करना, और आप लोग इस बात को तय करो किन लोगों को आए, कैसे हम लेकर के आए। पिछली बार की बैठक में अगर 10 आए थे तो इस बार 20 आए कि नहीं आए, प्रयास हुआ कि नहीं हुआ, और क्वांटिफाई करो। देखो, पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ नंबर्स। हमारी दिक्कत क्या होती है वो भी मैं आपको बता दूं। हमारी पार्टी इतनी बड़ी हो गई है कि हम इन हाउस ही हमारे यहां सब अरेंजमेंट है। आप बोलोगे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा है 10,000 की भीड़ चाहिए, ठीक है जी सूचना दे देते हैं, बूथ तक की सूचना दे देंगे, आज हो जाएगा 10,000। आप बोलोगे नहीं 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 20,000 चाहिए, 25,000 चाहिए, वो कोई बात नहीं जी, हम बूथ समिति को बुला लेंगे, हमारा अरेंजमेंट ही अपने घर में इतना है। मैं एक जगह बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन में गया गोरखपुर में, वो गोरखपुर संभाग का था, 26,000 लोग थे बूथ अध्यक्ष वो लगा करके। अब मैं कहूं कि ये सम्मेलन है कि जनसभा है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। तो हमारी पार्टी इतनी बड़ी हो गई है कि विद इन पार्टी हमारे यहां सब चीजों का अरेंजमेंट है, इसलिए भ्रम की गुंजाइश। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि मैं नए लोग लाया कि नहीं मैं लाया, जुड़े कि नहीं जुड़े, और आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। पन्ना प्रमुख हो गया तो पन्ना समिति बनी कि नहीं बनी, और परिवारों को जोड़ा कि नहीं जोड़ा, एक तो ये हमको चिंता। दूसरा, मैंने अभी पन्ना प्रमुखों की बैठक में भी कहा, वो आपसे भी मैं शेयर करता हूं, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन सीखिए। क्या होता है, सामने वाला किसी और धुन में है और हम कोई और राग अलाप रहे हैं, लगे भी हुए हैं, वो अपनी धुन गा रहा है आप अपनी धुन गा रहे हैं, वो कह रहा है मेरी नाली खराब है, इसके बारे में सोचिए,
आप कह रहे हैं कि देखिए देवेंद्र फडणवीस जी ने ये कर दिया। अब ये क्या है, वो बेचारा तानसेन बजा रहा था, वो तान बजा रहा था, आपने पता छेड़ दिया। तो आप उसको गली की नाली से पकड़ो और वहां से धीरे 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 करते प्रदेश तक लाओ। दिस इज आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन नहीं आता है तो आप नेता नहीं बनेंगे, आपको आप आस्था नहीं पैदा कर सकेंगे। हमारे कई लोग होते हैं, आते हुए चलते हैं, जाएंगे एक पैम्फलेट में, खुद पढ़ा नहीं है पैम्फलेट, ये पकड़ो ये पकड़ो ये पकड़ो ये लो, सामने वाला देख लेता है यार खुद तो पढ़ा नहीं हमको बोल रहा है। तो आपको, और आप देखिए अब बहुत सी चीजें हैं, आंखों आंख से आंख मिलाकर के बात करना सीखिए। कई लोग हैं बातचीत हो रहे टेलीविजन देख, हाँ बोलो क्या बात थी, हाँ बोलो क्या बात थी, तो हम बोलते बाद में बात कर लेंगे। दैट मीन्स द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज मिसिंग। तो आप समय भी लगा रहे हो, लगेगा तो चाय पी के जाते, अरे टाइम का बोलना था। अब आप समझ देखिए, आदमी बहुत तेज होता है, वो सामने वाला समझ लेता है, पानी पियोगे, अरे रखो ना भाई, कौन सी चीज है पानी, एक ऐसी चीज है रखो ना, आप पूछोगे तभी दोगे आप, और चले हो नेता बनने। एक ग्लास तो समझ में नहीं आ रहा है तुमको कि सामने वाले को ग्लास पर कैसे प्रभावित करना है। बातें बहुत छोटी हैं, लेकिन आप समय भी लगा रहे हो, लेकिन कम्युनिकेशन चैनल वीक है, इसलिए आप कोशिश करोगे हाथ नहीं आएगा। लेकिन आप जाइए किसी के पास और सुने कैसे हैं आप, कैसे हैं, उनसे बातचीत शुरू कीजिए। कहां से शुरू करता है वहां से उसको शुरू करने दो, पता तो करो सामने वाला चाहता क्या है, फिर उसके बाद वहां से जब आप बढ़ाते हो, इसलिए कम्युनिकेशन। दूसरी बात, हर एक के लिए आपके पास पैकेज होना चाहिए। मिडिल इनकम ग्रुप के साथ बात कर रहे हो, तो मिडिल इनकम ग्रुप में मोदी जी ने क्या किया, अगर आप एस्पिरेशनल व्यक्ति के साथ बात कर रहे हो तो एस्पिरेशनल के लिए हमारे देवेंद्र जी ने क्या किया, अगर आप एकदम मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के साथ बात कर रहे हो तो उसके लिए हमने क्या किया। और वो बोलना तब है जब उसके मन में भूख या जिज्ञासा जागे अपने से। हमारे लोग क्या होते हैं, एंटीबायोटिक इंजेक्शन, एक एक इंजेक्शन रखे देख ठोक, माने ना माने उसको जरूरत है ना है, सामने वाला पढ़ा लिखा है यार तुमसे ज्यादा जानता है, दिन में ज्यादा टीवी देख, उसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, और तुम अपना इंजेक्शन लेके चले। वो कम्युनिकेशन में सामने वाले की जरूरत क्या है और उसके अनुसार उसकी दवाई दो, तब इसलिए टॉकिंग पॉइंट्स हमारे पास रेडी होना चाहिए। कौन सा चैप्टर किसके लिए है, जो जिसके लिए चैप्टर है यूथ है, वो आपको शुरू इस तरीके से कहा, यू डोंट नो लाइफ इज समथिंग एल्स, यस बट व्हाट डू यू फील, आप उसी से पूछिए, फिर वो शुरू करेगा, फिर उसके 10 इरादे निकलेंगे, फिर आप कहिए कि दीज आर द क्वेश्चंस, इस पर तुम्हारा क्या कहना है, तब धीरे धीरे आप उसके साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। लेकिन हमको इतनी पेशेंस रखनी पड़ेगी, इसलिए मैं आप सब लोग, क्योंकि आप हमारे अगाड़ी हैं, आप हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो हम देखिए आप सिर्फ इंडिविजुअल नहीं है, आप चलते फिरते भारतीय जनता पार्टी के दूत हैं, आप चलते फिरते भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, इसलिए आप जितना सुशोभित रहेंगे उतना ही भारतीय जनता पार्टी सुशोभित, इसलिए आपको अपनी कंडक्ट को और अच्छा इंप्रूव करना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा, उसकी बारीकियों को समझना पड़ेगा। तो मैंने आपसे कुछ मजाक में ये बात बताने की कोशिश की है, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ, मिलता रहता हूँ, जमीन पर जाता रहता हूँ। मैंने अभी पिछली बैठक में सुनाया, कई लोग देखिए लाइन पकड़ा कीजिए, नड्डा जी आप आए बहुत अच्छा लगा, आप तो आते रहते हैं, आपके साथ ये जो चार मूर्तियां आई है ना, ये भी बहुत अच्छा लगा, इसका मतलब समझे,
कि ये मेरे साथ ही आते हैं और मेरे साथ ही चले जाते हैं, बाकी पीछे होते नहीं। अब ये आपको समझना पड़ेगा कि उसने बहुत चालाकी से आपको कम्युनिकेट कर दिया। कई बार हम लोग जाते हैं, बोलते हैं तुमने पहचाना नहीं, बोलते हाँ हाँ पहचानते हैं। इसका अर्थ समझो कि जानते तो हम खूब हैं आपको, मिलते आप कभी कभी हैं। तो ये सब छोटी छोटी बारीकियां हैं। हमसे कोई आके बोलता आपका प्रोग्राम क्या है, तो हम बोलते हैं संडे को यहां है, मंडे को यहां है, ट्यूसडे को यहां, फिर वेडनेसडे को यहां। आप समझे ही नहीं, वो आपसे समय मांग रहा है कि मैं कब मिल सकता हूं। तो आप समझो, अच्छा मेरा प्रोग्राम तो चलता रहेगा, तुमको क्या जरूरत है? नहीं, आपसे 5 मिनट बातचीत करनी थी। अच्छा आज करोगे या कल करोगे? फुर्सत से करेंगे, ठीक है कल आ जाओ 15 मिनट के लिए। दिस इज कम्युनिकेशन। नहीं तो उसको आपने संडे से लेकर के अगले संडे तक का प्रोग्राम बता दिया, उसकी मर्ज समझी नहीं। तो मैं इसलिए बार बार लोगों से कहता हूं कि आप इसके लिए शार्प तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड कीजिए। और हम बदलने के इक्विपमेंट हैं, हम बदलाव के कार्य करने वाले माध्यम हैं। उस माध्यम को समझना पड़ेगा, इसलिए पेशेंस के साथ उसके साथ डील करना, उसको जानना, उसकी बारीकियों को समझना, ये जरूरी रहेगा। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं है। हमसे कई लोग मिलते हैं, कहते हैं नड्डा जी मैं 25 साल से काम कर रहा हूं। मैं बोलता हूं अच्छा चार कार्यकर्ता बता जो तुमने जोड़े हूं। अकेला ही आया ही रहा। ये हमको समझना पड़ेगा। देखिए हमको, देखिए पॉलिटिक्स में हमको पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रहे हो, तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? व्हाट इज अवर कॉन्ट्रीब्यूशन? दैट हैज टू बी अंडरस्टूड एंड इट हैज टू बी ऑलवेज असेस्ड। आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि 2003 पहुंचे थे, 2000 हमको कितना जोड़ना है और उसके लिए कैसे जोड़ेंगे। ये जब आप आर्ट सीख लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आप अच्छे उपकरण बनेंगे और माध्यम बनेंगे, ऐसा मेरा कहना है। इस पर भी जरा आप ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने बहुत ही सरल भाषा में